नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फोर पॉइंट के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर एक क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही है उन एम्प्लॉयज़ की जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्राइवेट जो कंपनी है उनके अंदर काम कर रहे हैं। जैसे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पे या टेस्टर की पोस्ट पे, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही ACP एग्जाम से रिलेटेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में। उनकी जो क्वेरी आ रही है वो बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि ACP के अंदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वो सर्टिफिकेट है उसका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से, अगर उसके ऊपर हम नज़र डालेंगे तो ACP का जो सर्टिफिकेट है फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्लियर कट दिया हुआ है कि 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर द पोस्ट ऑफ ACP डिप्टी डायरेक्टर फ्रॉम अ लीगल एंटिटी सच एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे जो क्वेरी आ रही है वो ये आ रही है कि जो भी प्राइवेट एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, MNCs के अंदर वर्क कर रहे हैं या जिन्होंने स्विच कर दिया है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें इसी फॉर्मेट के अंदर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आना जरूरी है क्या। और उनकी ये दिक्कत ये भी आ रही कि भाई हमने तो स्विच कर दिया है और पुरानी वाली कंपनी क्यों इस फॉर्म के अंदर लिख के देगी, और करंट के अंदर हम वर्क कर रहे हैं तो क्यों वो हमें इसको फॉर्म फिलअप करके देगी, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आपके पास जो आपने कंपनी स्विच की है उसके अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और जरूरी नहीं कि वो इस फॉर्मेट के अंदर हो सकता है कि आपके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो इनमें से, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इनमें से किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो जो कंपनी आपको लीगल रूप से लिख के देती है कि भाई 100 एंड 100 जो पर्सन है उसने मेरी कंपनी के अंदर इस तारीख से इस तारीख तक काम किया है, इनका जो काम करने का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा लिख के देती तो वो भी मेरे ख्याल से एक वैलिड सर्टिफिकेट है। यहाँ पे कोई दिक्कत का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, जहाँ तक मेरा अनुभव है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो सर्टिफिकेट एक्चुअली, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है तो डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑब्वियसली बात है, एजेंसी की तरफ से एक जनरल फॉर्मेट निकाला गया है। पर अगर आपकी खुद की कंपनी, अगर आपको खुद को कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यू कर रही है, चाहे आप MNCs के अंदर हो, आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस डेट से पहले 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो वो बिल्कुल इलिजिबल है। देखो, क्यों आप सेफ साइड हो, इसका एक रीजन और ये भी है कि देखो, जो आप जो भी MNCs के अंदर वर्क कर रहे हो आपके पास खुद का आपका PF अकाउंट होगा ही होगा। अगर आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया लीगल है, लीगल सर्टिफिकेट है, देखो प्रॉब्लम उनके लिए है जो यहाँ पे गलत काम करते हैं, इलीगल रूप से काम करते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं। अगर आप सही हो, ऑथेंटिकेट हो, अगर आपके पास PF अकाउंट है, आपके PF अकाउंट के ट्रांजेक्शन है, जिन जिन कंपनी के अंदर काम किया है, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन भी आता है तो आप बिल्कुल उस ऑब्जेक्शन को सेटल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई अलग से, मेरे ख्याल से, इतना बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि सर मैं क्या करूँ, मैंने वर्क तो कर रखा है अलग अलग कंपनी के अंदर पर मैंने स्विच कर दिया, पहले मैं हैदराबाद में था, अब मैं दिल्ली के अंदर हूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनाऊँ इस फॉर्मेट के अंदर, 100 एंड 100 बहुत सारी प्रॉब्लम्स और कुछ आ रही है यहाँ पे, और मेरे पास भी कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक जनरलाइज वीडियो आप लोगों के लिए बना लूँ। तो मेरे ख्याल से कि भाई, अगर आप, आपकी जो कंपनी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, चाहे आपने 3 साल 3 अलग अलग कंपनियों के अंदर काम कर रखा हो, तो कोई बात नहीं, मर्ज करके आप PDF अपलोड कर दो। ऑब्वियस सी बात है, एक एक साल की 3 साल का अनुभव चाहिए तो वो बिल्कुल आपके चलेगा, क्योंकि आपके पास PF अकाउंट है और आप 100% ऑथेंटिकेट हो। देखो, दिक्कत जिसे आती है, जो चोर होता है, सीधी सी बात है, जो फर्जी होता है उसको दिक्कत आती है, आप हो ही नहीं, आप एक ऑथेंटिकेट रूप से अगर आप प्रमाणित कर रहे हो कि भाई मैंने एक्सपीरियंस बिल्कुल मैंने काम किया और है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, इसी के साथ ही जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनके लिए भी फॉर्मेट दिया हुआ है। इसी के साथ ही देखो, एक इन्फॉर्मेशन और है, अगर जो भी ACP जो प्रोग्रामर, ACP के जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए आपका जो कोर्स है ऑलमोस्ट प्रोग्रामर परीक्षा के समान है, तो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो देखो, बहुत डिटेल के अंदर यहाँ पे हर एक चीज पढ़ाई जा रही है, तो अगर आप प्रोग्रामर की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए देखो जावा के जो कंप्लीट टॉपिक है, हर एक चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो, सबसे पहले तो आप ये लिस्ट देख लो, यहाँ पे देखो जावा के एप्लेट बाइट कोर्स ऑपरेटर, जावा के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर, उसको C++ के थ्रू कंपेयर करते हुए पढ़ाई गई है हर एक चीज, स्टेटिक दिस, इसके अलावा पॉलीमॉर्फीज, फाइल फाइनल स्टेटिक,
स्ट्रिंग के बारे में बहुत डिटेल के अंदर यहाँ से पढ़ाई गई, हर एक चीज को आपको यहाँ पे डिटेल के अंदर पढ़ाया गया, हर एक प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल करके एग्जीक्यूट करके पढ़ाया गया और बहुत डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे नॉलेज डिलीवर किया गया है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे यहाँ पे तो देखो नल के रेफरेंस में एनोनिमस जो क्लासेस है उसके बारे में भी यहाँ पे आपको देखो डिटेल के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक चीज यहाँ पे आपको डिटेल के अंदर देखेगी, क्लोन क्लासेस है उसके बारे में भी। ओके, इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो देखो लेम्बड़ा एक्सप्रेशन है उसके बारे में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको हर एक जो कोड है, देखो यहाँ पे ये जो आपको जो मटेरियल मिलेगा ना उसके अंदर प्रोग्राम के तो हर एक चीज समझाई गई है, ठीक है, क्योंकि जावा थ्योरी से समझ में नहीं आएगी, आपको हर एक चीज प्रोग्राम से समझना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत प्रोग्राम करवा रखे, इतने प्रोग्राम करके कम से कम 1000 प्रोग्राम आपको मिलेंगे इस पूरे को इस पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर जो यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल है, और हर एक चीज यहाँ पे देखो कंपाइल करके बिल्कुल डिटेल के अंदर समझाई गई यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो थ्रेडिंग का कंसेप्ट देख लो, मल्टी थ्रेडिंग का आप अगर कंसेप्ट देखोगे तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हर एक चीज आपको यहाँ पे डिटेल के अंदर परोसी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हर एक चीज प्रोग्राम को बिल्कुल यहाँ पे कंपाइल करके रन करके यहाँ पे बता रखा है, और हर एक के स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, आप इनके बिल्कुल प्रिंट आउट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अभी जो देखिए यहाँ पे स्लीप डेमन मल्टी थ्रेडिंग के अंदर फिर रेपर क्लासेस जावा आईओ क्लासेस जो आईओ है पैकेज है उसके अंदर जो भी आपकी क्लासेस है उन सारी चीजों को यहाँ पे देखिए इतने डिटेल के अंदर पढ़ाया गया है, और उसके साथ भी एमसीक्यूज आपको भर भर के मिलने वाले। तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कम से कम 500 हजार तो आपको प्रोग्राम मिलेंगे, और इसके अलावा खूब खूब यहाँ पे क्वेश्चन ही इस कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभी जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क चल रहा है, इसके अलावा AWT जो टॉपिक है वो चल रहा है, तो ये उनके लिए जो साथ साथ में प्रोग्राम और परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आप अगर ACP की भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस कंटेंट को ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो DBMS है उसको भी काफी डेप्थ के अंदर पढ़ाया गया है, क्योंकि देखिए जो ACP की तैयारी कर रहे हैं उनके 3 सब्जेक्ट कॉमन है प्रोग्रामर एग्जाम से, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS और सेट, ठीक है, तो 3 तो कॉमन है ही है और चौथी बिल्कुल आपको बता दी जाएगी हर एक चीज। अगर आप देखोगे तो B-Tree, B+Tree, तो यहाँ पे देखो स्क्रीन के ऊपर जितना कवर हो रहा है मैं आपको जितना स्क्रॉल करके बता सकता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप बिल्कुल कंटेंट देख सकते हो यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करा रखा है इसरो गेट नेट कंटेंट के अंदर ही हर एक चीज डिलीवर कर रखी है कंटेंट के अंदर, इसलिए 80-80, 100-100 घंटे का ये कंटेंट है। हर एक चीज का आप क्या कर सकते हो यहाँ पे प्रिंट आउट ले सकते हो, PDF अवेलेबल है, बिल्कुल आप प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे आप क्लियर कट देख सकते हो, लिस्ट ही देख लीजिए इतनी बड़ी लिस्ट है यहाँ पे। ओके, हर एक चीज यहाँ पे आपको डिटेल करना पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं सेड की बात करूँ तो यहाँ पे बिल्कुल कंप्यूटर 4.0 जो चैनल है उसके अंदर आइए, और यहाँ पे देखो जो प्ले लिस्ट है प्ले लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सेड की सीरीज आपको एक देखने को मिलेगी, ये 30 वीडियो है, इस सेड की सीरीज के 30 वीडियो दिखे आपका, मतलब बोलोगे कि वास्तव में क्या कंटेंट डिलीवर किया है। ओके, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके पास कवर हो चुकी है, अब जो भी चीजें होगी और हम बिल्कुल एडिशनल इसके अंदर एड ऑन करेंगे। ओके, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं और जो भी पहली बार यूजर आ रहे हैं, और फटाफट से इस वीडियो का आप क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए, देखिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो जो भी साथी कर्मचारी है सूचना सहायक सहायक प्रोग्रामर और जो हमारे अधिकारी प्रोग्रामर, तो उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ कि आप लोगों के लिए ऑब्वियस सी बात है डिपार्टमेंट द्वारा बिल्कुल जारी कर दिया गया है कि आप सभी जने क्या कर सकते हो अपने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से फॉर्म फिलअप करा सकते हो, वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक दिक्कत यहाँ पे भले ही देखने को मिल सकती है यहाँ पे कि एक क्वेरी यहाँ पे अराइज हो रही है कि भाई जो आप एक्सपीरियंस लिखोगे उसके अंदर क्या एक्चुअली यहाँ पे नोट करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पे हम ये सुझाव देना चाहते हैं। तो देखिए किए गए कार्य के विवरण के अंदर क्या हमें इस तरह से लिखना चाहिए या कुछ और तरीके से आपको लग रहा है लिखना चाहिए, क्योंकि किसी भी कारण से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो और भी आपके जो साथी है कर्मचारी है जो आप MNCs के अंदर काम कर रहे हैं या
किसी और डिपार्टमेंट के अंदर काम करे, बिल्कुल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ है और जो ACP के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और वो बिल्कुल उनको प्रॉब्लम आ रही है कि क्या मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जॉब वैलिड है या नहीं, तो उनके उनके पास ये जो वीडियो है पहुँचाए और बताए कि नहीं ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, बस आप अपनी तैयारी करो। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल आपके सारे कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।